आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पिल्ला एंड मिस सहर। हाय हाय, क्या बात। मिस आप 2 रुपए वाली कुल्फी की तीली जो होती है ना, वो 10 मिनट तक चूसते रहो ना तो ऐसी हो जाती है। यारी फिर भाई मैं ये क्या बदतमीजी है, आप लोग फिर शुरू हो गए। प्रोग्राम को तो थोड़ा आगे बढ़ना। सारी उम्र में जो क्या कह रही है यार, घर का ही बंदा तुम्हारा हमारे साथ मिला हुआ, क्या करें। अच्छा पिल्ले को देख के ऐसा नहीं लगता किसी पुरानी बत्तख को टीबी हो गई हो? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। पिल्ला बाप बनने वाला है। वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाभी कमाल हो गया भाई, आपको यकीन था कि ये ऐसा हो जाएगा? हाँ? कमाल मैंने नहीं, इसने किया है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अल्लाह की शान, तिंके में जान, तिंके में जान है ना। मगर ये तिंके में जान का मतलब ये पिल्ले तिंका है? तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। अरे इसकी सेहत मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। नहीं आपको चुपता नहीं है क्या? ये आंख में चुपता है, आंख में चुपता है, कहने का मतलब आंख में चुपता है, आंख में चुपता है, आंखों की ठंडक है। अच्छा कभी भाभी ऐसा हुआ आपने कपड़े झाड़े हो उसमें से पिल्ले निकला हो? मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। कभी नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, आप इसकी मुहाफिज बन जाइए। हम क्या मतलब क्या इस पे क्या मिसाइल मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पे? मैं देखती रहती हूँ आप लोग इसकी बेइज्जती कर रहे होते हो। क्या ये कुत्ता है? 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 क्या ये गधा है? जलील है, बेगैरत है, उल्लू का पट्टा है। अबे इंसान की बच्ची बन, यकीन कर इतनी बेस्तियाँ तो ये नहीं करते जितनी तूने आके कर ली है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ। अबे ये कौन सी साइड ले रही है तू मेरी, ये तो तू बेस्तियाँ कर रही है मेरी। अबे वो तुम्हारी साइड है, वो बता रही है कि ये जो सब इसने बोला है ना, उल्लू का पट्टा, जलील, बगैरत, ये आप पे सूट कर रहा है। ये तो नहीं है, वो तो शनाख्ती कार्ड में जगह नहीं होती, वरना वहाँ भी लिखवा देता। हाँ, शनाख्ती कार्ड सिर्फ नाम के नीचे ही लिख देना गालियाँ। इसकी शादी के किस्से भी वायरल नहीं हुए, मुझे पता है, आपको पता लगाया मैंने। शादी की पहली रात बीवी से कह रहा देखो बेगम बिस्तर एक है, ख्वाब अपने अपने देखने होंगे। ये तो पता नहीं यार भाभी ने कैसे शादी कर ली यार, बच्ची पे कोमा उमा था, पता नहीं क्या था, पता नहीं। बहरहाल लेकिन हो गई, अब तो बेचारे की शादी। लेकिन शादी से पहले ही नजूमी के पास गया था, नजूमी से कहने का मेरा हाथ देख के बता मेरी शादी होगी, उसने इसका मुंह देख के कहा नहीं होगी। और इसने नजूमी को झूठा साबित करने के लिए शादी की, ये इसने मुझे बताया था। अच्छा इसका तकिया बेस्ट हेयर स्टाइलर है, रोज सुबह उठता है नया हेयर स्टाइल बनावा होता है इसका। अरे भाई ये मनुष्य पता क्या करता है, ये मंगल बाजार को अबाया पहन के जाता है। आइसक्रीम में कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई समोसे खिला रहा है, कोई चना चाट खिला रहा है, और फिर ये क्या खिला रहा है ना, वो तो फिर एड में पता लगता है रात को। अच्छा अच्छा आप पीछे से इसके बाल देखो, खुशी के मारे चीख निकलेगी, आगे से इसका मुंह देखो, खौफ के मारे चीख निकलेगी, और दरमियान से देखो आप बाहर निकल जाओगे। प्लीज प्लीज देखे फिर वही हो रहा है। नहीं यार मैं पिल्लाल किट्टू, देखो ये शो का मकसद पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है बेइज्जती। नहीं आप देखो ये पिल्लाल किट्टू और पिल्ले, इन दोनों पर्सनैलिटी, एज अ एल्डर ब्रदर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये दोनों ये वो वाहिद हस्ती है जिनको देख कर दिल करता है कि इनसे बदतमीजी की जाए। अरे ये पिल्ले जो है ना, पिल्ले अपने मोबाइल को हाथ पे यूं जोर जोर से मार रहा है, मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा मिस कॉल निकाल लो। और बिलाल किट्टू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाथी में से हवा निकाल दी। अभी आपको पता रमजानों में जलेबी समोसे लोग लगा लेते हैं बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, पिल्ले जलेबी की दुकान पे गया, आधा किलो गरम गरम जलेबी खाने के बाद जो है ना पैसे नहीं थे इसके पास। हाँ। जलेबी वाले ने उसको खूब मारा, खूब मारा, मार खाने के बाद भी नहीं जा रहा जलेबी वाले ने कहा जा क्यों नहीं रहा, कह रहा आधा किलो इसी तरह और नहीं मिल सकती। अरे भाई ये पिल्ला है ना, ये पिल्ला ये गोश्त लेके जा रहा है भाई, बकरे का गोश्त लेके जा रहा, कुत्ता शाबर छीन के ले गया, कुत्ते को पकड़ नहीं रहा, वहीं खड़ा हो गया, बोला ओए मैं तुझे पकड़ तो नहीं सकता लेकिन इसमें अरबी डाल के बनाई हो। ये चीटर आदमी, एक सेकंड बिलाल क्यूटो, पिल्ले से बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। अबे पिल्ले जो है ना, पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था, मैंने कहा जा रहा है, कह रहा खुदकुशी करने, मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है, कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा। आप देखिए इतनी सब गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल हो गया, पिल्ले पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इसके पहले से ही ये हाल है। ये दुनिया का अजीम इंसान है, हाय हाय हाय, ये अजीम इंसान है, दुनिया में जो पहला लाफ्टर आया था ना वो इसको देखकर आया था। अच्छा भाभी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले मोहब्बत अंधी हुआ करती थी, आपको देख के लगता है आज भी अंधी है? अबे यार भाई ये बातें छोड़ो, जब मैं पैदा हुआ था ना यकीन कर लड़कियां तरसती थी मेरे को गोद में उठाने के लिए। हुई हुई
गोद में उठाने के लिए लड़कियां तरसती थी, तरसती थी यार ये। उसके बाद से सारी लड़कियां बेवा हो गई और अब ये तरसता उन्हें गोद में उठाने। अच्छा लोग लड़कियां बच्चों को उठा के चुम्मियां लेती हैं, इसके बाद जो करती थी। इसके दादा ने बोला जब ये हो सकता तो कुछ भी हो सकता। नहीं हर बच्चा अच्छा पैदा होता है, तो बाद में इसने अपना हुलिया बिगाड़ा है यार। भाभी अगर आपको तंग करे ना, मैं आपको तरीका बताऊँ, अगर ये आपको तंग करे ना, आप इसे कमोड में धक्का देके ऊपर से फ्लश कर दीजिए। ये जब पैदा हुआ ना, इसके खानदान वालों ने इसको देखकर इसके अम्मी अबू से कहा, अरे तुम दोनों में इतनी नफरत। यार आप मैं बेटा हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिजर्व करता है, ही इज डिजर्विंग मोर एंड मोर। इसकी बातें सुन लो आपका दिमाग घूम जाएगा। एक दिन पिल्ले मुझसे कह रहे बरकत भाई, ये जो हॉर्स राइडिंग होती है ये घोड़े के अलावा कहीं और बैठ के नहीं कर सकते। नहीं पिल्ले साहब बुरा नहीं माना, जो बात पता चली वो मैं बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा। जो बात है वो बात मैंने पता की है। शादी में निकाह के बाद दूध पिलाई की रस्म होती ना, इसकी निकाह के बाद दूध पिलाई की रस्म होने लगी, इसके घर वाले कह रहे हैं हमने इसको 30 साल दूध पिलाया कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे एक गिलास से क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों को मैं शेयर डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो बहुत दिल से कह रहा हूँ, पिल्ले और बिलाल की टुपिटू आपके लिए। जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। अच्छा आप पिल्ले को गौर से देखो, एक उंगली वाला मुक्का ऐसा होता है, और वो भी छोटी वाली उंगली, ये एक उंगली वाला मुक्का है छोटी वाली। अच्छा भाभी कभी ऐसा हुआ रात को अचानक आपकी आंख खुली हो, आपने इसको देखो चप्पल उठा के मारना चाहिए, चुआ चुआ। अच्छा भाभी अल्लाह ना करे कभी आपको इस पे प्यार आ जाए ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखिएगा, वरना आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, और इसके दांतों से बजिएगा वरना आपको डेंगू भी हो सकता है। आपको मैं ये तो मजाक हो गया, मैं सीरियस बात करूंगा, मेरा आज मुद्दा कुछ और है। ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये वॉशरूम वाले मग्गे में चाय डाल के पी लेता है। मैं सही बता रहा हूं, आप इसको उल्टा करके इससे रंग भी कर सकते हो। अपनी बीवी से कह रहा है अगर मुझे यहाँ की हुकूमत मिल गई ना तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, कह लेंगे पहले शलवार बदल रहे, सुबह से मेरी पहन के घूम रहे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तुमने अहमद भाई मेरे को क्या बोला था? क्या बोला? मैंने बोला था, तुमने कहा था कि ये दोनों गेस्ट नहीं होंगे। अरे भाई आपको पता बहुत बड़ा बदमाश है, कल एक बच्चा गोला गंडा खा रहा था, इसने उसके कनपटी पे पिस्तौल रखी, उसका पूरा गोला गंडा चूस गया, और वो गोला गंडा था ही नहीं। राजा जी, अरे आप छोड़ो यार, इसकी जब किसी से लड़ाई होती ना, सामने वाले वो ये थोड़ी कहता मैं तुझे मार दूंगा, बल्कि कहता मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। हो सकता है ये कुछ देखना चाहो, कपड़े फाड़ के क्या देखना, पहले उसकी जान देख रहा है कि मैं इससे लड़ सकता। अबे भाई लोग जबान के पक्के होते हैं, ये रंग का पक्का है। यार आप देखो मैं इतनी बातें कर रहा क्यों कर रहा हूँ, इसकी हरकतें, इसकी बातें सुन लो, आप इसकी बातें सुन लो आपका दिमाग घूम जाएगा। हम ये क्यों बातें कर रहे हैं? हाँ? मैंने इससे ऐसे ही पूछा बैठा हुआ था, मैंने बोला यार दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है, ये क्या कह रहा है? मियां खलीफा। कुछ खलीफा यार, मियां खलीफा। खलीफा तो यार भाई पता नहीं कैसे पढ़ पढ़ा के डॉक्टर बन गया, आपको पता नहीं था? ये नहीं पता आप लोगों को? ये डॉक्टर बन गया था, इसने क्लिनिक खोला, पहला मरीज आया, कहने लगा मरीज कहने लगा मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, आप लेट जाओ मैं दबा देता हूँ। ये तो खिदमत यार, ये तो खिदमत की थी ना उसकी। मरीज थोड़ी है। अरे आप सब छोड़ो, इसकी बात आपको मैं क्या बात बताऊं, इतनी बातें जमा हुई है, मैं क्या बात बताऊं? इसको डॉक्टर ने कहा कल का तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, तुम कल क्यों नहीं आई? ये क्या कह रहा है? कह रहा कल मैं बीमार था ना। लोग है ना मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। अच्छा दो का पहाड़ा याद करते करते 20 बच्चे पैदा कर लेते। बस भाई हो गया तुम लोग का? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। ये पिल्ले अभी पिल्ले मुझसे कह रहा है ईद है उसमें भाई मुझे 7 UP पीनी है। मैंने कहा 7 UP? कह रहा 7 UP। तू गुस्सा नहीं हो, प्लीज कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बिंग अ ब्रदर कॉम्प्लीमेंट दिल से। इंसान जो है ना ठोकर खा खा कर पिल्ले जैसा बनता है। आपको पता है अभी शादी हुई है पिछले दिनों ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो 5-6 महीने हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे भाई बारात में किसी ने इसको सलामी दी, ये चीज लेने दुकान पे चला गया। यार अहमद भाई यार तुम एक काम करो, सालन मालन पड़ा हुआ है थैली में ले आओ, उसमें भाई के सर पे डाल के खाए। वही वाली बात हो रही है कि अभी हालात अच्छे हो गए, थोड़ी सेहत अच्छी हो गई,
पहले तो बिल्कुल ही पतला दुबला इतना तिनके जैसा था, ये हालात से तंग आके ना खुदकुशी करने मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ गया। आई हाई, ऊपर से छलांग मारी, शॉपर की तरह नीचे आके जिंदा रह गया। इसकी हरकतें बता रहा हूँ बेटा, इसकी हरकतें आप यकीन करो, रक्षे में बैठकर रक्षे वाले से कह रहा है यार किसी खूबसूरत लड़की के दिल में उतार दो। अबे भाई बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी थी, उसको देखे कह रहा है आइए मैं आपको पैदल ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ फिर और उसके भाइयों ने इसको फिर घर तक ड्रॉप किया। इतना कमजोर है, उस दिन इतने छींक मारी पीछे दीवार पे चिपक गया। अरे आप क्या बात कर रहे हो यार, इट्स नॉट टॉकिंग लाइक दैट। ये हेयर ड्रेसर के पास शेव करवाने गया, हेयर ड्रेसर ने पानी का स्प्रे मारा, ये पिछली दीवार पे गिर गया। अरे आप हेयर ड्रेसर की बात कर रहे हैं, अभी इसने सेहत बनाने के लिए ना एक्सरसाइज शुरू की, कर रहा मैं उसमें ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने देखा रिमोट उठा के टीवी का यूं कर रहा है यार। एक मिनट मेरी माफिस, तू तो मेरा इंसाफ करने आई थी, कब बोलेगी? जब मैं मर जाऊंगा फिर बोलेगी। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया लाला लाला लाला। अरे एक बात बताओ, हो सकता है उसके लिए आप तकरीबन मर ही चुके हो यार, हो सकता है तुम उन शहर को बोले, हो सकता है उसे मजा आ रहा हो तुम्हारी इंसल्ट पे। ये आपने निकाह नामे में कबूले कबूले का ये तो नहीं लिखा था, खुदकुशी कबूले है? नहीं नहीं भाई, मैं बहुत बहुत मोहब्बत नहीं, मैं आपको मजाक समझा बेटा, मजाक हो रहा है। देखो ये इसको सीरियस लेना, बिल्ले के पास से अगर कोई लड़की उठकर जाती है ना तो समझ नहीं आता शर्मा कर गई है या घबरा कर गई है, ऐसा है। ऐसा होता है आपकी रात में अचानक आंख खुले और पिल्ली को देख ये कर दिया तुम्हारे को देख के मेरे को हुआ। नहीं मैं बताऊं अभी, पिल्ले तू बोलना कुछ भी बोलना यार, मैं क्या बोलूं, इनको जो कुछ बोलना अभी बोले, मेरे को तो लड़की मिल गई, तेरी तो शादी हुई नहीं है, तेरे को तो लड़की मिलनी नहीं है, गजब बेइज्जती। ए पिल्ले तुम्हें मोबाइल से पैसे कमाने? हाँ ना यार, बताओ ना यार, भेज दे। अच्छा नाउ बैक टू पिल्ले, सबसे पहले तो बिलाल क्यूटो, बहुत दिनों बाद मिले हो तुम पिल्ले से, कैसा फील कर रहे हो? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ज्यादा मेला पुछेला लग रहा है। अबे पिल्ले तुझे कैसा लग रहा है बिलाल क्यूटो, लॉन्ग टाइम बाद मुलाकात हुई आपकी, आपके बराबर में बैठा हुआ है। अबे ये कोई बंदा बैठा हुआ है? हाँ? मैं समझा ये कोई अमन दाने में पीक मारने वाला था। अबे ओ पतली छजुंदर। तनवीर न्याजी आप फाड़ देते हैं, आप दोनों की शर्ट फाड़ते हैं, आपको इजाजत है। ये बेसिकली रेफरी है, रेफरी ये जो भी ओवरलैप करेगा ये वहीं से चंपा लगाएगा। आप यकीन करो पिल्ले जो है चिड़ियाघर सिर्फ इसी वजह से नहीं जाता कि अपने घर जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन यार एक बात है, पिल्ले जब से हिट हुआ ना इसकी जान पहचान बहुत हो गई है। थोड़ी भाई, लारी अड्डे से वॉशरूम से बाहर निकला है ना तो बाहर जो बंदा बैठा होता है उसने कहा पैसे, कह रहा एमपीए से बात कर रहा हूं। अभी समझ में आया ये अच्छा। बिलाल तुम बताओ तुम्हारी ईद कैसे गुजरती है? मतलब यार मेरी इस बार अच्छी, अल्लाह करे कि मुझे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो अच्छी। बड़ा वाला प्रोजेक्ट? कितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, कितने इंच का? तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तुम शेर चले जाओ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इस कितने इंच से इसकी मुराद है, कितने इंच का बिल बोर्ड? कह रहे मेरा बड़ा बिल बोर्ड लगे। ओहो हाँ, वो भी और अच्छा वाला प्रोजेक्ट भी। अच्छा नहीं है जिस इलाके में कह रहा हूँ वहाँ चले, बिल बोर्ड इसका खुद ही बड़ा हो जाएगा। अच्छा बिलाल किट्टू जैसे बंदे को जो ना कवाल मार रहे होते हैं, बार बार एक ही कवाल ही सुनकर पैसे ही नहीं दे रहा होता। हाँ ये गलतियाँ करता है। एक मिनट, आप जो लग रहे हो आज चाइनीज की खुसरी। बताओ चाइनीज की खुजरी। अच्छा स्टाइल तो ना अच्छा, क्या है चाइनीज की? अच्छा इसका मतलब है आप? ए मालिका देना देना। बिलाल किट्टू क्या बातें सुन लो, आप सर पकड़ लोगे। मुझे कह रहे बरकत भाई आपको बताइए संगे मरमर किसे कहते हैं? मैंने बोला किसे कहते हैं? कह रहे जब दो आदमी साथ साथ मरते हैं ना उसे कहते हैं संगे मरमर। संगे मरमर। आप देखो एक फकीर इसको कह रहा है 1,000 रुपए दे, जो मांग तुझे मिलेगा। इसने फकीर को 1,000 रुपए दे दिए। फकीर कह रहा है मांग क्या मांग भाई, ये क्या कह रहा है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। सर आप क्या चाहती हैं कि आपका जो बच्चा है वो मतलब किस पे जाए, आइडियल क्या है आपका? भाई किसी पे भी चला जाए, बस इस पे ना जाए। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। शान की बच्ची बन क्या कर रही है तू यार? ये तो बाप है। अभी तो बाप है, इसी पे तो जाएगा और किस पे जाएगा? हाँ ना, और किस पे जाएगा? अच्छा होता है ना, किसका बाप है? क्या पायला इतनी हेरा फेरी है आपके होने वाले बच्चे का? आपका बाप है ना बेटा?
अच्छा ये होता है ना, जब बच्चा होने वाला होता है घर में अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं, तो आपने किसकी लगाई पिक्चर? आप मुसलसल कमोड देख रही हो, ये नहीं करो। अभी तक किसी की भी नहीं लगाई, इसी को देखती हूँ बस। किसी को देख, तो अल्लाह खैर करे। क्या बात है, नहीं उसका कहने का, अल्लाह नसीब अच्छा करे। नहीं उसका कहने का मतलब है कि ये जो हरकतें करता है टिकटॉक पे, 3-2-1 पिल ले, बच्चा ऐसा ना करे। बच्चे को ये डॉक्टर बनाना चाहती है, है ना? नहीं मतलब फिर भी एक आइडियल होता है कि यार मेरा बच्चा मतलब इस पे जाए। मेरा आइडिया है मेरा बच्चा सुनील शेट्टी के जैसा हो। सुनील शेट्टी जैसा बच्चा कैसे होगा? आपने शादी कचरे की पेटी से कर ली। के गौर से देखो जो तुम कभी आए ना, गौर से देखो जो तुम कभी आए ना, गौर से देखो जो तुम कभी आए ना, खुद ही बोलोगे मेड इन चाइना, मेड इन। पिल्ले की बातें, पिल्ले की बातें ऐसी। अच्छा आपको पता है बचपन में पिल्ले को घर वाले जो है ना दूर चीज लेने भेजते थे, क्यों? ताकि इसे कोई उठा के ले जाए। चलो एक दफा चील ले गई थी। नहीं 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 नहीं, पता क्या नहीं भाई, सीरियस कह रहे? नहीं भाई, नहीं नहीं, भागा था चील, उसको फेंका फूका। क्या खाता है पिल्ला डाइट में? अभी तो ये डाइटिंग पे, ये डाइटिंग पे। अबे क्या कॉकरोच खाता है, चिप्पली खाता है? किस बात की डाइटिंग कर रहा है भाई? मैं भी डाइटिंग कर रहा हूँ ना। क्या डाइटिंग का क्या खाता है? क्या खाता है मिले ना किसी को? सीमेंट खाता है कि बुनियाद पक्की हो? यार मैं डाइटिंग का वो खा रहा हूँ यार, क्या होता है सर? डाइटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं खाता। कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। ग्रीन ग्रीन खाता है, ग्रीन चल, ग्रीन टी पीता हूँ, ग्रीन टी नस्वार खाता है। अच्छा, और ये पता है ये मोटा ऐसे नहीं होगा, हवा डालेगी पंचर वाले के पास। ये ऐसे मोटा नहीं होगा, ये वो काट ही नहीं। अच्छा खुश हो गया पंचर वाले के पास हवा डालेगी ना, खुश हो गया। देखो इसका सोच सोच के खुशी हो रही है। पिल्ले जैसे बंदे को जो है ना घर वाले जो है सिर्फ इसीलिए पाल रहे होते हैं कि बड़ा हो जाए तो लड़ाई में जख्मी करवा के सामने वाले से पैसे लेंगे। हजार ख्वाहिशें ऐसी हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजार ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजार ख्वाहिशें ऐसी हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बाहर बहुत गर्मी है जरा कम निकले। दूध की दुकान पे दूध लेने गया, दूध की दुकान पे दूध लेने गया, कहेंगे 10 रुपए का दूध दे दो कुत्ते को पिलाने, कहेंगे यहीं बैठ के पीगा, घर जाके पीगा। भाभी कभी ऐसे हुआ आप झाड़ू लगा रही हो बीच में ही आ गया, बीच में आ गया तो आपने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, बाद में जमादार ने शिकायत की भाभी आपका कचरा यहाँ आ गया।